हेलो एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल आज का जो हॉल है ना अगेन मीशो स्पेशल होगा और इस हॉल में मैंने सारे ही पार्टी वियर कुर्ती सेट इंक्लूड की है क्वालिटी सभी की बहुत ज़्यादा अच्छी है और अंडर थाउजेंड रुपीज़ ये हॉल होने वाला है तो काफी ज़्यादा अफोर्डेबल है और अगर ही आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे फिर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर फर्स्ट जो कुर्ता सेट है वो मेरा पर्सनल फेवरेट कुर्ता सेट है ऐसे ऑफ वाइट कलर में मिल जाएगा और इसमें ना हम लोगों को थ्री पी सेट मिलता है दुपट्टा भी मतलब मिलता है ऐसे क्रॉप टॉप मिल जाएगा पैपलम स्टाइल में मैं इसका टॉप दिखा देती हूँ पहले और इसमें मैंने साइज लिया है स्मॉल जो कि साइज काफ़ी ज़्यादा लगा मुझे इस तरीके इसमें स्लीव्स मिल जाएंगी और ये आई थिंक वाइट वाला और इसी वर्क वाला मैं बहुत सारे कुर्ते दिखा चुकी हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे अच्छे लगते और इसमें ना काफ़ी ज़्यादा मुझे पैटर्न दिख रहे हैं तो मैं सारे ही ट्राई कर रही हूँ कि कौन सा बहुत ज़्यादा अच्छा है तो सारे मतलब अभी तक जो भी मैंने दिखाए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं प्राइस वाइज सारे ही अच्छे हैं तो मतलब ये वाला पीसेस तो काफ़ी ज़्यादा सही लगे मुझे इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये वाले शेयर करती हूँ क्योंकि उनकी क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होता तो इस तरीके का ये मिल जाएगा और इसमें ना इस तरीके का वर्क हो रखा है पूरे में ही है और ये ना पैपलम स्टाइल जो टॉप होता है उस तरीके का टॉप है काफी ज़्यादा स्मार्ट है यार ये पीस फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड से इसी तरीके का मिल जाएगा काफी ज़्यादा स्मार्ट है और इसमें ऐसे सीक्वेंस भी लगे हुए हैं इस, इसके साथ हम लोगों को बॉटम में मिल जाता है शरारा जो कि फुल्ली इलास्टिकेट वेस्ट बैंड मिल जाएगा और इसमें लाइनिंग भी हम लोगों को मिल जाती है शायद लाइनिंग भी अटैच है इसमें ना मैं देख लेती हूँ हाँ इसमें लाइनिंग भी अटैच है जो कि कॉटन मटेरियल की है लाइनिंग उसमें भी अटैच थी मैंने शायद बताया नहीं इसमें भी आपको लाइनिंग मिल जाती है और जो प्योर कॉटन जो होता है ना उस तरीके की ओनली योग पार्ट पे है शायद इसके हाँ ओनली योग पार्ट पे मिल जाएगी नीचे वाले जो है इसमें नहीं मिलेगा तो इस तरीके का ये इसका टॉप है और इसमें हम लोगों को लाइनिंग मिल जाती है फुल्ली इलास्टिक वेस्ट बैंड मिल जाएगा और पॉकेट्स इसमें अवेलेबल नहीं है और इसका जो मटेरियल है ना चंदेरी सिल्क टाइप है कुछ और इसमें से टायर्ड वाला पैटर्न दे रखा है यार काफ़ी ज्यादा फ्लेयर है यार इसमें तो मैंने देखा ही नहीं था मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर है और इसमें जो लाइनिंग है उसमें इतना ज्यादा फ्लेयर नहीं है ऐसे पैंट स्ट्रेट काइंड ऑफ पैंट मिल जाती है ये इसमें लाइनिंग है तो बिल्कुल भी शेयरेबल तो है ही नहीं काफ़ी ज्यादा स्मार्ट है पीस अच्छा भी है और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी इसको चेकआउट कर लेना काफ़ी ज़्यादा सही है यार ये वाला और इसके साथ हम लोगों को दुपट्टा भी मिलता है ऐसे छोटू सा स्टाइलिश सा मतलब ये गर्ल्स में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ना ये कुर्ता सेट इस तरीके का है ओनली आपको ऐसे नेक में डालना है एंड यू गुड टू गो चोटू सा दुपट्टा है इस तरीके का और इसका भी मटेरियल काफ़ी ज़्यादा मतलब सिल्क चंदेरी सिल्क टाइप है मतलब अच्छा वाला फैब्रिक एकदम सॉफ्ट वाला बिल्कुल भी ऐसे आ, मुझे ऐसे हार्श नहीं लग रहा बिल्कुल भी काफ़ी ज़्यादा सही है यार ये कुर्ता सेट तो मतलब हाईली रिकमेंडेड पीस है आज के जो प्रोडक्ट होने वाले हैं ना सारे ही बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे तो प्राइस के हिसाब से क्वालिटी मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस का तो मुझे याद ही नहीं है बट इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है आंख बंद करके बाय कर लो ऐसी वाली क्वालिटी है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कहीं से भी ना कोई थ्रेड निकल रहा है या फिर ना ही स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली जा सकते, सकते। कुर्ता है एकदम डीप मरून जो कलर होता है उस तरीके का है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका फैब्रिक बता देती हूँ इसका फैब्रिक मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है इतना ज़्यादा अच्छा इसका फैब्रिक है शाइनी सा है थोड़ा सा मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि चंदेरी है और सिल्क है क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा मतलब चंदेरी का और सिल्क का जो बीच का कॉम्बिनेशन होगा ना आप समझ लो कि क्या है मतलब अच्छा सॉफ्ट इसका मटेरियल है काफ़ी ज़्यादा अब मैं दिखाती हूँ इसकी एम्ब्रॉयडरी मैंने इसमें साइज लिया अपना स्मॉल बट इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा सही है मतलब लग रहा है कि ये मीडियम टाइप है तो इस तरीके का साइज़ है और ऐसे स्वीट हार्ट काइंड ऑफ नेक मिल जाता है इसकी एम्ब्रॉयडरी इतनी ज्यादा फाइन है इतनी ज्यादा अच्छी है और जो इसका कलर है ना थ्रेड का वो सिल्वर है मतलब वाइट नहीं है सिल्वर है और इतनी ज्यादा प्यारी है इसकी एम्ब्रॉयडरी uh, इतनी ज़्यादा मतलब फाइन तरीके से कर रखी है बहुत ज्यादा सुंदर है मतलब काफी ज्यादा प्यारा पीस है ये और छोटी छोटी इन्होंने ऐसे ना बूटियाँ बनाई हुई है यहाँ पे स्लीव पे एंड इस तरीके का लेस अटैच किया हुआ है तो मेरे को तो ये पीस ना फुल्ली पार्टी वियर लग रहा है फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड में ऐसे वर्क मिल जाएगा स्लीवस पे और सिर्फ ये वाला वर्क इसके योग पार्ट पे है। पूरा ही सिंपल मिलेगा आपको काफ़ी ज़्यादा सुंदर है यार ये पीस बहुत ज़्यादा सही लगता है ऐसे पीसेस पहनने के बाद और इसमें ऑब्वियसली लाइनिंग भी अटैच की हुई है इन्होंने ऐसे नहीं इन्होंने योग पार्ट अलग से ही बनाया हुआ है इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने एक वो बना रखा है थोड़ा जॉइंट दे रखा है जिससे कि मुझे आइडिया हो पा रहा है और ये ना ए लाइन टाइप ड्रेस है और अंदर में भी इसमें लाइनिंग लगी हुई है वो लाइनिंग का मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बिल्कुल भी शेयरेबल नहीं है इस तरीके का है मतलब बहुत सही है यार ये कुर्ता इसका प्राइस भी शायद अंडर थाउजेंड रुपीज़ होगा तो उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा सही है और इसमें हम लोगों को थ्री पीस सेट मिलता है मतलब इसमें चुनने भी मिलेगी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा सही है बैक साइड से बेसिक प्लेन मिल जाएगा अब मैं दिखा देती हूँ इसका बॉटम जिसमें हम लोगों को बहुत साइड इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड मिल जाएगा पॉकेट्स इसमें अवेलेबल नहीं है और इसमें कोई लाइनिंग वगैरह नहीं है वैसे भी नीड भी नहीं है क्योंकि दुपट्टा सॉरी कुर्ता इसका इतना ज़्यादा लॉन्ग है तो ऑब्वियसली एंड स्ट्रेट फिट काइंड ऑफ ही है इसका पैंट काफ़ी ज़्यादा लंबी है मुझे ऐसा लग रहा है छोटा सा इस तरीके से बॉर्डर अटैच किया हुआ है जिसमें फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड से एम्ब्रॉयडरी कर रखी है तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है यार ये पीस मतलब हाईली रिकमेंडेशन पीस है बाय कर लेना मतलब फुल्ली पार्टी पार्टीवेयर मुझे लग रहा है और इसके साथ ऐसे दुपट्टा मिलता है जो कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक का है और उसमें ये लेस अटैच की है ये लेस भी ऐसे जो है और सिल्वर जो थ्रेड होता है ना सिल्वर जो जरी वाला थ्रेड होता है उसी तरीके की है ये लेस भी और ऐसे फ्लावर वाला ये दुपट्टा मिल जाएगा इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मतलब उसको काफ़ी उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर करें काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और लेंथ वेरथ एकदम प्रॉपर है मतलब बहुत सही यार ये दुपट्टा ये ड्रेस पूरा मरून कलर वाला बहुत ज़्यादा अच्छा है तो हाईली रिकमेंडेशन पीस है बाय कर लेना साइज चार्ट अपना चेक कर लेना वैसे भी काफ़ी ज्यादा मतलब ज्यादा है इसके तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो श्रिंक भी नहीं होगा मतलब साइज़ चार्ट भी इसके काफ़ी ज़्यादा सही हैं और मटेरियल भी ऐसा नहीं है कि श्रिंक हो जाएगा तो श्रिंक का भी कोई टेंशन नहीं तो डेफिनेटली आप इसको बाई जो हमारे पास ड्रेस है अगेन मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा प्यारी लगी मुझे तो इस तरीके से इसमें वर्क कर रखा है और इसका ना कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इसमें जो एम्ब्रॉयडरी कर रखी है माय गॉड और इसका जो प्राइस है ना पहले मैं प्राइस बता देती हूँ इसका प्राइस ओनली 800 समथिंग है तो यार 800 समथिंग में इतना ज़्यादा सुंदर कुर्ता सेट मिलना इम्पॉसिबल है ये सिर्फ मीशो पर ही हो सकता है इस तरीके की वी नेकलाइन है और फुल स्लीव है ऑलमोस्ट उसकी फुल स्लीव है फुल स्लीवस पे भी इन्होंने इस तरीके से प्यारा एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रखा है बहुत ज़्यादा ज़्या सही लग रहा है यार ये फुल्ली वेयर ड्रेस एकदम बट इसमें भी साइजेस बहुत ज़्यादा है इन्होंने मुझे फोर नंबर भेज रखा है मैंने तो स्मॉल साइज ऑर्डर किया था मुझे नहीं पता इन्होंने मीडियम लार्ज क्या भेज दिया साइज थोड़ा सा ज्यादा है ऑब्वियसली ऐसे फ्रंट स्लिट मिल जाएगा आपको पूरे पे ही मतलब इसी तरीके का वर्क हो रखा है फुली पार्टीवियर ड्रेस है ये और हेम डिटेलिंग कुछ इसकी इस तरीके की है इतना ज़्यादा चौड़ा इन्होंने ऐसे बॉर्डर बना के दे रखा है इसका ना ट्रायन से आपको एग्जैक्ट लुक क्लियर हो जाएगा कि कैसा लग रहा है इस तरीके से इसमें एम्ब्रॉयडरी है और नीचे तक कुछ इस तरीके से है बैक साइड से मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को ये सिंपल मिलेगा ये वाला पोर्शन और इस तरीके से आप लोग यहाँ से मिल जाएगा इसमें ये वर्क काफ़ी ज़्यादा सुंदर है यार ऐसे और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है उसका जो मटेरियल है कॉटन जो थोड़ा सा खादी जूट टाइप होता है ना वो है इस तरीके का इसका मटेरियल है थोड़ा सा टेक्सचर्ड वाला है काफ़ी ज़्यादा सही है यार ये तो मतलब हाईली रिकमेंडेशन वाला पीस है बहुत ज़्यादा सही इसमें है इसमें कलर ऑप्शन भी हैं आई थिंक पर्पल भी है और एक दो कलर्स और हैं आप लोग देख लेना मुझे अभी याद नहीं है इसके साथ बॉटम में मिल जाता है हम लोगों को पैंट फुल्ली इलास्टिकट वेस्ट बैंड मिल जाएगा बट मुझे इसका जो मटेरियल है पैंट का उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा स्ट्रेट फिट काइंड ऑफ है बट उसमें दिखने भी नहीं वाला है बट फिर भी अगर ऑफ वाइट या फिर वाइट कलर की बॉटम्स तो सब लोगों के पास बहुत ज़्यादा होती हैं तो ये तो उतना ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगा आप इसके साथ अगर आपको इसको थोड़ा सा और ज़्यादा हैवी टर्न आउट करना है तो आप इसके साथ हैवी वाला प्लाजो वेयर कर सकते हो और नहीं करना है तो आप इसको स्ट्रेट फिट काइंड ऑफ जो पैंट या फिर प्लाजो होती है कोई भी बेसिक किसी के साथ भी आ, स्टाइल कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा इसका मटेरियल मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा सा मतलब ये कपड़ा ऐसा है शायद स्ट्रिंक भी हो सकता है तो ठीक है आई थिंक इसीलिए उसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा मतलब सारा पैसा इन्होंने इसी में लगा दिया है तो इसलिए इन्होंने इसमें थोड़ी चिंदी चोरी कर दिया तो ठीक है यार एवरेज कर दिया इन्होंने बैलेंस कर दिया उस चीज़ को ठीक है मेरे लिए तो फिर भी ये मतलब हाईली रिकमेंडेशन वाला पीस है इसको अवॉइड कर देते हैं कर सकते हैं क्योंकि उससे इतना ज़्यादा दिल खुश हो गया मेरा बहुत ज़्यादा तो इसको तो मारो गोली और ये वाला पीस मतलब कोई भी ले लेना ले क्योंकि वाइट कलर की बॉटम यार सभी के पास अवेलेबल होती है तो अगर सोच सकते हैं साढ़े आठ सौ रुपये में आपको सिंगल कुर्ता ही मिलेगा मेरी तरफ से तो यही है कि हाँ सिंगल ही मिलेगा वो तो ज़ीरो है तो फिर ठीक है क्योंकि मैं पैंट को तो कंसीडर ही नहीं कर रही हूँ सो मिलेगी बट उसका कोई यूज नहीं है नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है हमारे पास अगेन रेड कलर का एक्चुअली आज ना थोड़ा सा रेड uh, वाइट बस इसी कलर कॉम्बिनेशन के कुर्ते मेरे पास हैं चलिए कोई बात नहीं ये ना रेड कलर का आपको कुर्ता मिल जाएगा इसकी भी नेकलाइन स्वीट हार्ट काइंड ऑफ है और इसमें एम्ब्रॉयडरी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इस तरीके की आई थिंक क्लियर हो जाएगी इसमें भी कुछ थ्रेड वर्क है और सीक्वेंस वर्क इंक्लूड किया हुआ है थोड़ा सा ज़री का भी वर्क है जो गोल्डन कलर से कर रखी है काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है और साइज़ मैंने इसमें अपना स्मॉल ही लिया है और ट्रैन मैंने अभी इनका किसी का भी नहीं किया तो साइज़ मुझे नहीं पता आई थिंक ठीक ही आएगा काफ़ी ज़्यादा सही है इसका और सिंपल सा है ये कुर्ता भी इसमें बस इसी तरीके की एम्ब्रॉयडरी और छोटी छोटी ऐसे बूटियों वाली वर्क है मटेरियल इसका काफ़ी ज़्यादा सही है श्रिंक नहीं होगा मतलब उस तरीके का कि श्रिंक नहीं होगा और इस तरीके के इन्होंने ऐसे लेस वर्क अटैच की हुई है काफ़ी ज़्यादा सही और प्यारी लग रही है जो कि बैक साइड से पूरा सिंपल मिल जाएगा साइड स्लिट मिल जाएगा ये कुर्ता मेरे को तो ये देखने पे मतलब काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है और अच्छा भी है ये पीस नो डाउट और नेकलाइन की डिटेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मतलब एम्ब्रॉयडरी और मटेरियल इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अब मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को इसका बॉटम जो कि हम लोगों को सेमी इलास्टिकट वेस्ट बैंड मिल जाएगा फ्रंट साइड से इसमें नहीं है इलास्टिक एंड बैक साइड से है और इसमें पॉकेट्स इसमें भी हम लोगों को नहीं मिलती है हाँ नहीं मिलती है इसमें भी पॉकेट्स हम लोगों को स्ट्रेट फिट काइंड ऑफ पैंट मिल जाएगी इसमें जो कि इस तरीके का इन्होंने वर्क कर रखा है इसके यहाँ पे और मटेरियल अगेन इसका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वही सेम ही मटेरियल है जो इसके शर्ट में था और इसके साथ और गेंजा का दुपट्टा दे रखा है इन्होंने अगेन ऐसे रेड कलर का और ये वाला कटवर्क दे रखा है ये वाला कटवर्क मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यार गोल्डन कलर के थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी कर रखी है काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है लेंथ विर्थ एकदम प्रॉपर है देख सकते हो आप विर्थ थोड़ा सा कम होगा आप लोगों के हिसाब से थोड़ा कम लग सकता है मतलब जैसे एवरेज थोड़ा सा कम है बट ठीक लगते हैं आजकल के दुपट्टे में इतना ही मिलता है और इसी तरीके के दुपट्टे कैरी करने में भी थोड़े ठीक रहते हैं तो ये भी ना प्राइस इसका भी जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा सही है आई थिंक ये अंडर थाउजेंड रुपीज़ ही है एट हंड्रेड या फिर नाइन हंड्रेड समथिंग इतना ही है तो इसके हिसाब से इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है इसमें जो वर्क रखा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है स्टिचिंग पैटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मटीरियल पूरे का ही अच्छा है मतलब दुपट्टे का भी अच्छा है और कुर्ते सेट का तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो डेफिनेटली आप उसको चेकआउट कर सकते हो अच्छा पीस है जिसको भी उस तरीके की पीसेस पसंद है डेफिनेटली नेक्स्ट है हमारे पास अगेन चिकनकारी कुर्ता मैं ऑब्सेस्ड हूँ इस तरीके के चिकनकारी कुर्ते से मैंने बहुत सारे कुर्ते ट्राई कर लिए हैं ऑलरेडी और अब नहीं करूँगी लेकिन मैं क्योंकि मेरे पास बहुत वैरायटी हो गई हर तरीके के मेरे पास हैं छोटे बड़े छोटे ऐसे लंबे वम्बे सब मतलब मेरे पास सब हो गए हैं अब मैं नहीं करने वाली बट ये वाला ना मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि टाइट है क्योंकि इसकी स्लीव से मुझे देखने पर लग रहा है मटेरियल इसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा है जो कॉटन uh, मटेरियल होता है ना प्योर वही वाला है और सीक्वेंस इसके भी इसी तरीके काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये देखो इतना सुंदर इसमें वर्क कर रखा है और इसका जो कलर um, है वो ऑफ वाइट थोड़ा सा क्रीम साइड में है इस तरीके का है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसमें ना वेट बहुत ज़्यादा है इस ड्रेस में ए लाइन ड्रेस में वेट बहुत ज़्यादा है इसका ऐसे स्वीट हार्ट काइंड ऑफ नेक लाइन मिलेगा अगेन मैंने इसमें स्मॉल साइज बाय किया है और इसमें ऐसे योग पार्ट थोड़ा अलग करके दे रखा है और इसमें नीचे से कलियाँ बना के दे रखी है तो काफ़ी ज़्यादा सही फ्लेयर है बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है और जैसा कि मैंने बोला इसमें बहुत ज़्यादा वेट है बहुत ज़्यादा वेट है इन्होंने इस तरीके से दे रखा है इसका ये बॉर्डर अलग से अटैच करके और ये बैक साइड से भी कुछ इसी तरीके का है जो इसका वर्क फ्रंट साइड से था वही सेम एज़ इट इज़ आपको बैक साइड से मिल जाएगा काफ़ी ज़्यादा प्यारा पीस है और इसमें बहुत ज़्यादा वेट है क्योंकि इसका मटेरियल है वो अच्छा वाला है जो सॉफ्ट जो सॉफ्ट जो कॉटन होता है वो है और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसमें जो मटेरियल यूज किया हुआ है लाइनिंग में वो भी एकदम जो जूट फैब्रिक सॉफ्ट जो वाला मटेरियल होता है ना वो वाला है तो बिल्कुल भी इचिंग बिल्कुल नहीं होगी इरिटेशन बिल्कुल नहीं करेगा ये और इसकी स्लीव में स्लीव में कोई आपको वर्क वो नहीं मिलता लाइनिंग नहीं मिलती है आपको डिफरेंस दिख रहा होगा इस तरीके का है ये और नीचे भी नहीं मिलती है इसमें एक्चुअली ओनली योग पार्ट पे है इसके लाइनिंग आपको ना सिर्फ ऐसे योग पार्ट पे मिलेगी तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ नीचे कोई लाइनिंग नहीं मिलेगी इस तरीके काफ़ी ज़्यादा प्यारा है यार ये मतलब इस तरीके के कुर्ते तो अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं पर मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गए अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी इस तरीके के शायद आप लोग भी देख के बोरी हो जाओगे और इसका जो दुपट्टा है वो लेंथ वेयथ तो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है काफ़ी ज़्यादा सही है और इसमें इस तरीके की लेस डिटेलिंग अटैच की हुई है मतलब अच्छा है इसका दुपट्टा भी अच्छा है और वो कुर्ता भी अच्छा है नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा इस हॉल का पीस है बहुत ही ज़्यादा प्यारा पीस है ये बहुत ज़्यादा और ये आई थिंक थाउजेंड समुपीज़ का है ये एक ड्रेस मिल जाएगी आपको वन पीस जो ड्रेसेस होती हैं उस तरीके की इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा इसमें मटेरियल यूज़ हुआ है बहुत ज़्यादा और साइज़ इन्होंने मुझे जो दिया है वो स्मॉल साइज़ तो है बट यार स्मॉल साइज़ इतना नहीं होता ये फ्री साइज़ है और इसका जो कलर है वो आई थिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा रेड बट ये रेड कलर नहीं है ऑब्वियसली मरून कलर है और इसमें इस तरीके की नूडल्स काइंड ऑफ स्टेप मिल जाएंगी जो कि एडजस्टेबल है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो जितना आपको एडजस्ट करना है आप कर सकते हैं इस तरीके से ये ड्रेस मिल जाएगी और आपको ना इसमें जो ये गोटा पट्टी वाली जो वर्क मिलेगी ओनली इसके फ्रंट साइड में बैक साइड में तो कुछ है ही नहीं इसमें प्लेन है और इस तरीके से आपको बैक साइड में मिल जाएगा और इस तरीके से ये फ्रंट साइड में मिल जाएगा और ये वाला जो ड्रेस है ना एज ए कुर्ता दे रखा है इन्होंने क्योंकि इसके साथ इन्होंने दुपट्टा भी अटैच किया हुआ है तो आप तो इसे एज ए ड्रेस या फिर एज ए एज़ ए ड्रेस भी पहन सकते हो ऐज कुर्ता भी पहन सकते हो जैसे आपका मन हो वैसे पहन सकते हो बहुत ज़्यादा फ्लेयर है इसमें स्क्रीन पर दिखाना तो इम्पॉसिबल है और इसमें भी इस तरीके का ना टायर्ड पैटर्न जो है वो है और नीचे से इन्होंने कुछ ये वाली लेस अटैच कर रखी है मैं कोशिश करूंगी फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए इसका फ्लेयर कितना ज्यादा है वैसे भी ट्रायन से आपको क्लियर हो जाएगा आइडिया तो हो ही जाएगा कि कितना ज्यादा है बहुत ज्यादा है आप जितना सोच सकते हो उससे भी ज्यादा है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे है यार ये ड्रेस मतलब हाईली रिकमेंडेशन वाले पीसीज हैं आज के सारे ही मतलब पीसीज ऐसे हैं तो डेफिनेटली यार इसको तो ट्राई कर सकते हो इसको ट्राई करना तो बनता है बहुत ज़्यादा अच्छा है बहुत ज़्यादा अच्छा है ये एज ए लाइट फंक्शन के लिए एकदम अप्रोप्रिएट रहेगा या फिर आपके कोई दूर की वेडिंग हो तो भी आप मैं बोलूंगी इसको आप चूज़ कर सकते हो एज ए ड्रेस इस तरीके का है ये ये वन पीस ड्रेस मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि इसका फ्लेयर इतना ज़्यादा है मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेयर है बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है पूरा शॉप का कपड़ा इसमें लगा दिया है इसके साथ हम लोगों को सेम ही फैब्रिक है और जो इसका फैब्रिक है ना वो रेन फैब्रिक है और इसका भी जो मटेरियल है वो रेन फैब्रिक ही है इस तरीके का आपको ऐसे दुपट्टा मिल जाएगा ये इस तरीके का लेस अटैच कर रखा है इन्होंने और लेंथ इसकी ठीक है बट वर्थ थोड़ी सी कम लगी बट इनके साथ इसी तरीके के दुपट्टे ठीक लगते हैं तो जिसको भी ऐसे दुपट्टा कैरी करना है वो कर सकता है जिसको नहीं करना है वो ना ले कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका चॉइस है बट ये ड्रेस बहुत ज्यादा अच्छी है बहुत ज्यादा अच्छी है तो इसको अपने कलेक्शन में जरूर इंक्लूड करना चाहिए अगर आप इस तरीके की ड्रेसेस में कंफर्टेबल हैं so तो, ये था आज, आज का सारा ही कलेक्शन आई होप कि आप लोग पसंद आएगा और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा या फिर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बाय